दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एनालॉगी क्या होती है। एनालॉगी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, एनालॉगी के प्रकार, एनालॉगी का अर्थ, इसलिए पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो अब इस वीडियो में पढ़ते हैं एनालॉगी से संबंधित प्रश्न आंसर। तो देखते हैं पहला प्रश्न, जिस प्रकार भोजन का संबंध भूख से है, तो उसी प्रकार हमको बताना है सोने का संबंध किससे है। ऑप्शंस हैं ए में दिया हुआ है थकावट, बी दिया हुआ है रात्रि, सी है सपना और डी दिया हुआ है तो इनमें से आपको देख रहे हैं भोजन का संबंध भूख से है तो उसी प्रकार सोने का संबंध होना चाहिए सपने से, ये भी नहीं हो सकता। तो सोने का संबंध होगा थकावट से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए थकावट। थकावट इज राइट आंसर। तो इस प्रकार हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जैसे कलम का संबंध होता है लिखना, तो उसी प्रकार हमको बताना है कि ऑप्शन से कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है मिटाना रबर, बी में है ऑप्शन बी कप तरल, और सी है पेंसिल, संबंध है लकड़ी, डी में है चाकू का संबंध काटना। तो इसमें से मिटाना रबर ये तो नहीं है, तो कलम से लिखना लिखा जाता है, उसी प्रकार चाकू से काटा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी चाकू काटना, डी इज ए राइट आंसर। तो इस प्रकार हमने ये फर्स्ट टाइप था एनालॉगी का। तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो टाइप सेकंड आता है, पहला क्वेश्चन है इसका, चार का संबंध 17 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 35, बी में है 54 और डी में दिया हुआ है 50। तो इनमें से आपको पहले सर्व देखना पड़ेगा कि इसके और इसके मध्य क्या संबंध है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, यदि 4 का स्क्वायर प्लस 1 तो 16 प्लस 1 बराबर 17, तो उसी प्रकार 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 50, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न है जिस प्रकार 6, 14 और 30 इनके मध्य कोई संबंध है, उसको अपने ऑप्शन में से बताना है कि इसको कौन सा संबंध, कौन सा ऑप्शन इसको सही होता है। ए में दिया हुआ है 2, 10 और बी में दिया हुआ है 8, इसी प्रकार डी में दिया हुआ है सी में दिया हुआ है 7, 12, 22। तो इसमें आपको देखना होगा पहले 6 का संबंध 14 से किस प्रकार से 6, 14 से मिलता है, या किस प्रकार से 14 का संबंध 6 से है। तो हम देखते हैं 6 में 8 जोड़ते हैं, सॉरी 8, 8 जोड़ने पर कितने हो जाते हैं 14। उसी प्रकार 14 में प्लस 8 इंटू 2 जोड़ने पर हो जाते हैं 30।
तो इसी संबंध को हमको इनमें देखना है, सबको कर करके देख लेते हैं। तो हम सर्वप्रथम डी को देखते हैं, सिमिलरिटी है समानता। सात सात और पांच 12, 12 प्लस 5 × 2 बराबर हो जाएगा 5, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसी प्रकार हमने सेकंड टाइप को भी देख लिया है। अब थर्ड को पढ़ते हैं, एनालॉग का जो लास्ट टाइप है, इसमें अल्फाबेट के मध्य वो संबंध दिया हुआ होता है। तो जैसे प्रश्न दिया हुआ है BORE रिलेटेड टू 10 एज वेल। इसी प्रकार हमको देखना है कि HOTEL ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12, बी दिया हुआ है 15 और सी दिया हुआ है 18 और डी मान लो 21। तो अब हमको इसको सॉल्यूशन हल करते हैं। तो आपको अपने दिमाग से सोच कर लगाना होगा कि इसमें क्या संबंध होगा 10 का BORE से। तो हम लिख देते हैं बी को देखते कितने नंबर पर आती है। बी की पोजीशन होती है 2 और इसी प्रकार ओ की 15, आर 18 और ये आ जाती है 5। बी को जोड़ देते हैं बराबर हो जाएंगे 40 और ये चारों का भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो आ जाता है आंसर 10। इसका मतलब इसमें ये वाली सीरीज बन रही है, सबको जोड़कर अंकों की कुल संख्या का भाग दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार हम अब इसमें देखते हैं HOTEL होटल में देखते हैं, तो H हो जाता है 9 पर 15, T हो जाता है 20 और E हो जाता है 5, L 12 प्लस कर देते हैं 60, 60 हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं ये इनकी संख्या दिखती है 5, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से और ये आ जाएगा 12×60। तो इसमें 12 कौन से में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर। तो हम देखते हैं सेकंड सवाल, सेकंड सवाल देखते हैं इसका। यदि आपको कोई सवाल में अगर डाउट लगता हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह है वाई का स्क्वायर 4 से रिलेटेड है 2, उसी प्रकार वी का स्क्वायर किससे रिलेटेड होगा। ऑप्शन 7 बी में दिया हुआ है 25 और सी दिया हुआ है 30 और इसी प्रकार डी में है। सॉल्यूशन देखते हैं, वाई को विपरीत साइड से काउंट करने पर तो वाई की पोजीशन, वाई की पोजीशन 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम आ जाता है 4। तो इस प्रकार वाई और से रिलेटेड है। तो इसी प्रकार हम बी का संबंध देखते हैं, बी की पोजीशन, बी की पोजीशन 5 होती है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 25, इसका मतलब 25 इसका करेक्ट। इस प्रकार हमने तीनों प्रकार की एनालॉगी के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। यदि आपको कोई टॉपिक कठिन लगता है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक या सब्सक्राइब।